भाई और बहनों, आपको यहां आने से रोकने की सारी कोशिशें किस तरह नाकाम हुई है ये इस जनसैलाब को देख करके नजर आता है। और इतना ही नहीं, ये दीदी के पराजय का स्मारक खड़ा है, ये दीदी के विनाश का जीता जाता स्मारक है। ये जो मंच बनाया गया है इसलिए बनाया गया है कि आप लोगों को जगह कम पड़ जाए। ऐसी छोटे बच्चे जैसी हरकतें करके क्या चुनाव जीते जाते हैं क्या? कभी कभी मोहल्ले में बच्चे जब लड़ते हैं, कभी झगड़ा हो जाता है, तो कहते हैं कि मेरी गली से गुजरना, मैं तुझे देख लूंगा। ये जो ड्रामा किया है दीदी ने और उसके गुलामों ने, ये लोकतंत्र के तिरस्कार का, ये दीदी का जीता जागता स्मारक है। और लोकतंत्र प्रेमी कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है। और दीदी इतनी बदनामी मोलने के बाद भी ये जनता का प्यार तो देखो जरा। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही है और सारा अपने अफसरों पर गुस्सा निकाल रही है, इलेक्शन कमीशन पर गुस्सा निकाल रही है। राजनीति में जमीन खिसकना क्या होता है अगर किसी को समझना हो तो दीदी की बौखलाहट, दीदी का गुस्सा इतने से ही समझ सकता है। मुझ पर आजकल गालियों की जो बौछार हो रही है, चुनाव आयोग पर वो जिस तरह भड़क रही है, उससे भी पता चलता है कि दीदी कितनी डरी हुई है। ये सब उनके डर की निशानियां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस लहर ने दीदी को आईना दिखा दिया है। साथियों, आपका यह उत्साह दिखाता है कि पश्चिम बंगाल ने ठान लिया है कि आप दीदी के शिकंजे से खुद को आजाद करना है।